मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। देख रहे हो आज का मौसम इधर रहा अब्दुस समर सीद की। अब्दुस गुड मॉर्निंग तो बोल दो, शर्मा रहा है लौंडा। देख रहे हो आज कुहासा है चारों तरफ। कितना 9 बजने वाला है ना, 9 बजने में 5 या 10 मिनट बाकी होगा। और ये देखो 9 बज गया, ये देखो चारों तरफ कुहासा है। विक्रम स्नोफॉल का भी स्टार्ट होगा यहाँ। अभी तक तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन एक्चुअली हम लोग जिस साइड में रहते हैं ना, साउथ साइड में, इधर मोस्टली नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, इसलिए ज़्यादा दिन जो है ना यहाँ स्नोफॉल नहीं होता, लेकिन स्नोफॉल होता ज़रूर है। आज तो कुहासा जो है ना बहुत ज़बरदस्त वाला है, लेकिन ठंड ज़्यादा नहीं है, कुहासा है बस। तो आज हम लोग का क्लास जो है ना 9 बजे से है, तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में आ चुके हैं और अभी हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जा रहे हैं जहाँ हम लोग का क्लासरूम है, जिस डिपार्टमेंट में हम लोग का क्लास है। तो जैसा मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग का भी ENT चल रहा है, ईयर नोज एंड थ्रोट। तो अभी हम लोग उसके डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। ये पीछे जो ये बड़ी वाली बिल्डिंग है ना, इसमें ही हम लोग का क्लास है। लेकिन ये बिल्डिंग दिख रहा है, लेकिन अभी घूम के जाना पड़ेगा, और वो भी हम लोग शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, नहीं तो लॉन्ग कट से जो है ना और लंबा पड़ता। अभी हम लोग मात्र 3 मिनट लेट हैं। देखो पूरा फ्लोर खाली हो चुका है, मीन्स टीचर क्लास में आ चुकी है, लेकिन 2-3 मिनट लेट तो चलता है। ये देखो लग रहा है टीचर क्लास में आ चुकी है। सो गाइस फाइनली आज का मेरा क्लास कंप्लीट। अभी मैं फ्लोर पे हूँ, अभी एप्रॉन वगैरह चेंज किया, फिर उसको बहुत टेंशन है भाई, एप्रॉन चेंज करो, फिर उसको अच्छे से संभाल के बैग में डालो, क्योंकि डेली तो प्रेस करके लाएंगे नहीं ना, इसलिए संभाल के रखना पड़ता है। तो गाइस ये रहा विक्रम। और विक्रम कैसे हो? बस। और कैसा रहा क्लास? बस क्या? बस क्या? बस बस के आगे कुछ बोलो, और क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में पढ़ाई चल रही है अभी तो फिलहाल। हाँ, अब तो एग्ज़ाम का भी टाइम आ गया ना जनवरी में, ENT और फंडामेंटल 5000 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, सोच के ही जो है ना सर में दर्द हो गया है। क्या विक्रम, 5000? हाँ, सुबह पता है आधे बच्चे तो सोते रहते हैं क्लास में, और आधे क्या अप्रोक्स 80% स्टूडेंट जो है ना सोकर उठकर आ जाते हैं, सोकर उठकर चलो पानी मारो और बैग उठा के क्लास डायरेक्ट, और उसके बाद क्लास में आने के बाद सब झपकी लेते रहते हैं, फिर टीचर डांटती है, झपकी मतलब जाओ मुँह धोकर आओ। तो सुबह क्लास है, क्योंकि हॉस्टल में आपको पता ही है कि स्टूडेंट मोस्टली लेट से ही सोते हैं, और सुबह जब 8 बजे से क्लास लग जाए तब तो 7:30 में सोकर उठो और 8 बजे क्लास। लेकिन मेरा क्लास तो आज 9 बजे से था, तो मैं नहा हुआ के जाता हूँ सुबह क्लास, चाहे 8 बजे से हो या 9 बजे से हो, ताकि एक टेंशन बना रहता है। हाँ, ये भी नहा के जाता है विक्रम, ये दिन में 2 बार नहाता है, वो भी इतने ठंड में, पानी जो है ना वेस्ट कर रहा है। दिन में 1 बार नहाओ ना, 2 बार नहाने की क्या ज़रूरत है। और लौंडा जिम भी जा रहा है आजकल, देख रहे हो बॉडी सॉडी, जरा बॉडी दिखा दो अपना, बाइसेप्स। तो अभी चलते हैं हॉस्टल, हॉस्टल पहुंचकर सबसे पहले खाने का इंतजाम करेंगे, उसके बाद कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, पेट पूजा करने के बाद चाय तो बनेगा, पहले हॉस्टल तो चल रहे तो अभी से ही इसको चाय चाहिए यार, हद है। पहले हॉस्टल चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सामान है क्या नहीं, फिर चाय बनाते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आराम से नींद लेंगे, एक लंबी नींद, फिर उसके बाद सोकर उठकर कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत पढ़कर फिर बाहर निकलेंगे, फिर घूमेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा मूड फ्रेश करेंगे, फिर उसके बाद हॉस्टल वापस। लाइफ में मेडिकल स्टूडेंट के लाइफ में क्या है, मेडिकल स्टूडेंट का सभी स्टूडेंट के लाइफ में क्या है, बस पढ़ो उठो खाओ सो जाओ, बस यही है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ब्लॉग में क्या ही दिखाता है, कुछ है ही नहीं ना भाई, बस पढ़ता हूँ खाता हूँ सोता हूँ और थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेता हूँ। ये लोग हॉस्टल ही पहुँच गए हम लोग। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और अभी थोड़ा सेल्फ स्टडी भी कर चुका हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं थोड़ा बाहर से घूम फिर कर आते हैं, और थोड़ा आइसक्रीम भी खाने का मन कर रहा है, ठंडे ठंडे मौसम में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी मैं जैकेट लगा कर फिर निकलता हूँ बाहर। तो गाइस अभी मैं आ गया पुशकिन्स का स्ट्रीट पे,
पुष्किंस्का स्ट्रीट पे जो है ना एक अलग का ही नज़ारा रहता है। शाम का टाइम है सब, हम लोग बहुत लकी हैं कि ये पुष्किंस्का स्ट्रीट जो है ना हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने, हॉस्टल से बाहर निकलो एकदम पुष्किंस्का स्ट्रीट पे, और दूसरे लोग जो है ना इस स्ट्रीट को घूमने के लिए जो है ना दूर से चल कर आते हैं, और हम लोग निकलते हैं अपने हॉस्टल से बाहर और जस्ट पुष्किंस्का स्ट्रीट पे इंजॉय करते, एकदम फ्रेश एयर लेते हैं, मज़ा आ जाता है। मैं आप लोग को मोस्ट ऑफ द वीडियो में पुष्किंस्का स्ट्रीट के बारे में बता रखा हूँ, अब क्या ही करें, कोई दूसरा स्ट्रीट तो बहुत सारा है ना, लेकिन फिर वहाँ पे जाऊँगा तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ ऐसे ही अंधेरा, लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं। यहाँ देख रहे हो चारों तरफ लाइटिंग, और हर एक जगह जो है ना पब्लिक आपको मिलेगी यहाँ पे। ये देखो पुष्किंस्का का नज़ारा, देख रहे हो ना पुष्किंस्का का नज़ारा। हर एक जगह जो है ना आपको एकदम मन लगता रहे, कहीं कहीं गिटार, कहीं ड्रम, हर एक जगह कोई ना कोई प्ले करते रहते। ये देखो कितना मस्त है फोटोशूट के लिए, और ये इधर पीछे है पब्लिक लाइब्रेरी, ये देखो। अभी मैं आ गया आइसक्रीम शॉप, इसका नाम है आई फ्रेटेली। ये जो है ना मेरे यूनिवर्सिटी के सामने, यूनिवर्सिटी नहीं सॉरी हॉस्टल के सामने भी है, लेकिन वो बंद था, तो अभी मैं थोड़ा जो है ना अभी आप लोगों को जो दिखाया था पुष्किंस्का स्ट्रीट यहीं पे पब्लिक लाइब्रेरी उसी के पास में, और ये देखो आइसक्रीम, मज़ा आ जाएगा भाई आज तो। चलो सबसे पहले आइसक्रीम लेते हैं, नहीं तो वीडियो बनाने के चक्कर में जो है ना। ये देखो इधर, बहुत दिन से यहाँ सोच रहा था आने के लिए लेकिन आया नहीं, और जो इन मेरे हॉस्टल के सामने था वो बंद हो चुका है, और ये रहा आइसक्रीम। और ये दुकान जो है ना काफ़ी मस्त बना रखी इनका जो है ना इंटीरियर भी जो है ना काफ़ी मस्त है। मैं पूरा तो दिखा नहीं सकता क्योंकि अगर पूरा अगर इंटीरियर अगर दिखाया तो इनके इंटीरियर दिखाने में जो है ना 3-4 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो उतना तो दिखा नहीं सकता। ये देखो बाहर भी जो है ना कितना मस्त बना रखे हैं ये। अभी यहाँ टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री सेल्सियस में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। अभी यहाँ टाइम हो चुका है 7:20, 7:20 हो रहा है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम हॉस्टल वापस चलते हैं, क्योंकि अभी हॉस्टल वापस जाकर फिर पढ़ना भी है, फिर उसके बाद खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, क्योंकि फिर कल सुबह हमको क्लास जाना है, प्रैक्टिकल क्लास। सो गाइज एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं MBBS में और उनको रशिया से MBBS करना है, तो आप मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। मेरे यूनिवर्सिटी में सेकेंड बैच का तो क्लासेस 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक और बैच स्टार्ट होने जा रहा है 3rd बैच, उसका क्लासेस में भी दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्ट होगा। और ये अगर आप 3rd बैच में लोगे एडमिशन तो ये भी सितंबर इनटेक है, मींस आपका जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा अगस्त में, फिर आपका सितंबर से स्टार्ट होगा सेकेंड ईयर, तो ये चांस मिस मत करो, क्योंकि दिसंबर के बाद आप जनवरी में एडमिशन लोगे तो वो फरवरी इनटेक होगा। फरवरी इनटेक मींस आपका फिर जो है ना फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा फरवरी में, तो मींस आप 6 मंथ पैक हो जाओगे। सो गाइज आप अपना 6 मंथ बचा सकते हो, तो अगर आप एडमिशन नहीं लिया तो अभी के अभी एडमिशन ले लो। सो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, अभी जस्ट मैं हॉस्टल पहुँचने ही वाला हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।